शादी के लिए मंडप सजा हुआ है। अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए जा रहे हैं। लेकिन ये क्या, मंडप में दूल्हा एक और दुल्हन दो है? ये तस्वीरें बैतूल के सलैया गांव की है। दरअसल युवक भोपाल में ITI की पढ़ाई कर रहा था। इस दौरान होशंगाबाद जिले की युवती सुनंदा से उसकी दोस्ती हो गई। इस दौरान घर वालों ने कोयलारी गांव की युवती के साथ उसका विवाह तय कर दिया। इसके बाद शादी को लेकर विवाद होने लगा, जिसके बाद तीनों परिवारों ने मिलकर समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक करके निर्णय लिया है। युवक की शादी दोनों युवतियों से करने का निर्णय लिया, जिस पर ये शादी हुई है। जैसे आदिवासी में शादी होती है, वैसे युवा साथ लगे दो एक ही मंडप पे। और एक ही मंडप में दोनों की शादी होगी। हाँ। तो आप खुश हैं? हाँ, दोनों खुश हैं। कितने खुश हैं? जैसे बहन रहते वैसे हम भी रहते हैं। तो अभी साथ में रह रहे हैं तो सब बढ़िया रह रहे हैं? हाँ, सब साथ में रहते हैं, बढ़िया संदीप से हुआ। हाँ। अच्छे से हुआ। आपके घर वाले तैयार थे मतलब दो दुल्हनों के साथ शादी के लिए? सब के लिए घर वाले तैयार थे, सब थे, अच्छे से थे। आपकी शादी तो पहले हुई थी कि इनकी सुनंदा की? सब साथ में बहुत पहले से था। हाँ। जान पहचान था। हाँ, हाँ। उसके बाद फिर इससे जान पहचान बढ़ी। तो शादी तय किससे हुई पहले? शादी किससे तय पहले हुई? दोनों से साथ में हुई। पहले सुनंदा से शादी तय हुई थी कि शशिकला से? दोनों से। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आ गया है और मामले की जांच करने की बात कर रहा है। कुछ ऐसे कुछ लोगों के फ़ोन आए थे मुझे कि हमारे क्षेत्र में एक युवक ने दो युवतियों के साथ विवाह एक साथ रचा है। इस संबंध में मैंने प्रारंभिक पूछताछ के लिए पटवारी को भेजा था, परंतु क्योंकि यह बहुविवाह है और इसमें जो भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा या जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी, तो मेरे संज्ञान में आया है। मैं पत्र लिखूंगी संबंधित थाना प्रभारी को और इसमें जो भी कार्रवाई हो सकती है हम करें। फिलहाल शादी का यह वीडियो वायरल हो रहा है और इलाके में इस शादी की खूब चर्चा हो रही है। बैतूल से राजेश भाटिया की रिपोर्ट, MP तक।